बचपन में आई वॉज अ वेरी इनोसेंट गर्ल. आई नेवर यूज टू इंटरेक्ट मच आउटसाइड द हाउस, बट येस इनसाइड द हाउस विथ माई मामा मामी, विथ माई नाना नानी, विथ माई मासीज, आई एम व्हेरी अटॅच टू देम. रिमाला आम्ही सगळे सोनूच म्हणतो. ती जवळजवळ आमच्या जवळ वाढली. ऍक्च्युली लहानपणी तिचे डोळे निळे होते, निळसर होते. तिच्यात मी माझं स्वतःचं बालपण बघत गेले. छोटा रितेश बहुत ही नॉटी था, हंस खेल के रहता था, सबके साथ रहता था, सबके साथ जाता था. सियाचेनला आम्ही पोचलो होतो आणि तिथे ऑक्सिजन एकदम कमी होता. तेव्हा तिला ते ब्रिदिंगला त्रास होत होता, तेव्हा मी तिला उचलून कमीत कमी 3 ते 4 किलोमीटर खाली आलो धावत पळत. मम्मा आय समथिंग लाईक आय ऑलवेज हिअर दिस वर्ड मम्मा. तू वो अगं सोनू उठ, तुला वेळ होतोय ना, वेळ होतोय ना, चल लवकर लवकर निघ. सपोजिंगली 7 o'clock वी हॅव टू गेट अप. तो मम्मी 6 बजे ऐसे उठ, चल चल उठ उठ उठ, 7 वाजले 7 वाजले. मतलब इवन इफ इट इज 6 in the morning शील वेक अस अप एज यू सेइंग दैट इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग. मस्ती करता था बहुत, जिद्दी बहुत था. एक चीज मुझे ये याद है कि हम लोग झगड़ते बहुत थे. गोलू को बचपन से WWE बहुत पसंद है, सो वी हैड दिस WWE फाइट्स. एंड बेडरूम के कॉर्नर में वी हैव लाइक देयर इज अ सेट ऑफ मैट्रेसेस, तो उधर से ही यूज्ड टू जंप एंड यूज्ड टू हिट मी ऑल द टाइम. तो वो हिट करता था एंड देन जब मैं हिट करती थी यूज्ड टू एक्ट लाइक वो लूज कर रहा है, बट वो लूज करता रहता. सो इट वॉज मोस्टली हिम विनिंग एंड मी लूजिंग, बट देन कभी कभी वो मेरे को जिता भी देता था. छोटा था ना तो हमारे एक बंदरिया थी, तो वो बंदरिया जो थी ना उसको बहुत प्यार करती थी. तो जब भी ये सोता था और सो के उठता था ना, वो इसको ऐसा दूध पिलाने के लिए बैठी रहती थी. हम लोग उसके पास नहीं जा सकते थे, लेकिन वो जो है इसको दूध पिलाने के लिए बैठी रहती थी. और वो बैठी है तो हम लोग कोई टच नहीं कर सकते. विद माई ब्रदर आई हैव अ स्पेशल अटैचमेंट, आई कैन से दैट. लाइक माई सिस्टर यूज्ड टू बीट द शिट आउट ऑफ मी. I was a very sound sleeper. Raj used to bring like 10-12 blankets. I used to like keep on her when she's sleeping. मतलब मेरे सिर से लेके मेरे पैर के नाखून तक सब कुछ कवर हो जाए ऐसा करता था.
and then he used to go far and actually jump on me. I think so. I used to jump on her and she used to like absolutely filmy. So this guy named as Ritesh, he called me up 10 years back late night by 11 p.m. at night. Reema aur main hum mile ek calculator ke help se jisme one of my friend got her number and saved it on calculator, dialed her at around 11:30 raat ko. And us time pe aisa tha ki I used to sleep. By 10 o'clock I was off. Madam ko maine call kiya, so madam ne to pehle phone cut kiya, second phone uthaya. And then he started saying ki hello, is this Miss Reema? So I said yes. And tab main bahut hi zyada gussa ho gayi thi kyunki itni late night agar mujhe koi ladka call karta hai, to it was like I never used to like it because mere circle mein I never had male friends. I only had female friends and my female friends were also very much few. तो इतनी लेट नाइट जब मुझे किसी लड़के का फ़ोन आता है तो मैं थोड़ी डर भी जाती हूँ. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई यूज टू गेट एजिटेटेड कि हु इज़ इट. शी स्टार्टेड डोंट हैव मैनर्स. तो उसने मुझे बोला कि मैम आई जस्ट वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद यू. मैंने उसको ढेर सारी गालियाँ दी, थोड़े एक दो बीप 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 करके. शी टोल्ड मी कि डोंट यू हैव दिस, बट आई डिडंट लूज होप. मैंने उसको नेक्स्ट डे भी कॉल किया सेम टाइम पे. मतलब बंदे में हिम्मत देखो, मुझे वापस से कॉल कर रहा है. एंड देन वही चीज़ कि मैम आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव फ्रेंडशिप विद यू. फिर मैंने उसको पूछा भी कि अरे भाई फ्रॉम वेयर डिड यू गेट माई नंबर. सो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी. तो नहीं मतलब शिद्दत से अगर कोई कॉल करा तो आई वॉज लाइक कि लेट मी सी कि भैया है कौन. आई चेज्ड हर फॉर अराउंड 20 डेज. आफ्टर 20-25 डेज वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. स्टेशन थानी स्टेशन पे शिमला करके एक जूस सेंटर है विच डिसाइडेड टू मीट अप ओवर देयर. I saw a man coming in front of me and chalke aa raha. I still remember he's wearing those green and white checkered shirt and with a blue denim. Us zamane mein Ritesh ke kafi baal the, so you know he used to just do this and he used to come ahead and he used to wear those frameless glasses. Jab maine usko first time dekha, I could only see him and baki sab kuch blur ho gaya, you know, as if I'm watching a movie. He came and it just clicked into my head that okay, he's the only one that I'm going to meet today. And we met, we clicked, we connected. Within a month's time, it was clear in my head that yeah, this is the one. That knight in the shining armor, I can say. Best thing that have happened with me is Ritesh. And I truly believe that I'm just born and brought up just for him. So he is something who is me. He's not just a part of me, he is me. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली. Let go.
gift him a dog and I told her where to get the dog from. सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए ना वो डॉगी ही है जो रीमा ने ला के दिया. तो ये दोनों ने प्लान बनाया कि ये हमारे दोस्त का डॉगी है, तुम मम्मी 10-15 दिन रखो फिर हम वापस कर देंगे. तो वो ला के रखा था, फिर एक महीने बाद बोले कि लेके जाएंगे. तो वो इतना प्यार किया ना कि वो अब हम दे भी नहीं सकते. और वो बहुत प्यारा है और बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं. द वैल्यू डॉगी होल्ड्स इन ऑल आवर लाइव्स इज जस्ट इनक्रेडिबल. He has brought a lot of happiness to us, brought a lot of calm to our lives. रीमा के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा उनका व्यवहार है, अच्छे से मिलने जुलने वाले हैं, प्रेम व्यवहार वाले हैं, अच्छा मतलब वो भी ध्यान रखने वाले हैं ऐसा है. Yaar mein tu, 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 y
So I know how Ritesh is. I've got to know Reema very little, but absolutely, she is an amazing person, and I wish them a very good life, a healthy life, and just enjoy. That's it. Reema ki jo feelings hai, matlab मैं प्रे करूंगा कि हर लड़की की वैसी फीलिंग्स अपने हस्बैंड के लिए रहे। से चुरा लूं तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा एक मुझे व्हाट आई विल मिस इज बीइंग विद माय ब्रदर राज. हम लोग बात करते भी है तो सलाम भाई सलाम सेठ, सो वी इंटरैक्ट दिस वे. द थिंग इज दैट आई लव हर एंड इट विल बी हार्ड फॉर मी लाइक व्हेन शी लीव्स. म्हणजे ती खूप गोड मुलगी आहे, दिस इज स्ट्रांग पण आहे खूप, आणि खूप अशी हिंमतवान आहे, अशी घाबरत नाही पटकन की एखादं काही संकट आलं तर मी घाबरून जाईल, म्हणजे प्रॉब्लेमला फेस करते ते, असं हे नाही आहे. एकमेकाला समजदारपणाने सांभाळून घेणाऱ्या जोडीदार असला ना बाळा, हे महत्त्वाचं. Baby.